गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। यह वीडियो 12th हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। जैसा कि आपको पता है, हमने आपको चैप्टर नंबर 14 परमाणु भौतिकी प्रारंभ कराया है, और कल इससे संबंधित एक वीडियो हमने आपको भेजा भी था। आज ये दूसरा वीडियो है परमाणु भौतिकी से संबंधित। कल के वीडियो में हमने दो चीज़ों का अध्ययन किया था। एक हमारा था थॉमसन का परमाणु प्रतिरूप, जिसको हमने डिटेल स्टडी कर ली थी। दूसरा हमारा था अल्फा स्कैटरिंग, यानी अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा नाभिक की त्रिज्या का आकलन। नाभिक की त्रिज्या का आकलन, यानी एक तरह से इसको इंग्लिश में बोलेंगे क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ न्यूक्लियस, नाभिक की त्रिज्या का आकलन। तो बहुत अच्छी तरीके से इसको समझिएगा। आइए, जैसे नाभिक जो होता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों उपस्थित होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। तो आवेश सिर्फ किस पर होता है? प्रोटॉनों पर होता है। तो प्रोटॉन पर आवेश होता है Ze, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E होता है, प्रोटॉन पर भी आवेश E होता है, तो उस हिसाब से नाभिक पर आवेश हो गया Ze। और अल्फा कण जो होते हैं उन पर आवेश होता है 2E। अल्फा कण तो होता ही द्वि आयन हीलियम नाभिक है, 2He4। अल्फा कण पर आवेश प्रोटॉन के आवेश का दोगुना तथा द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है। ठीक है, जब किसी हम अल्फा कण की नाभिक के ऊपर बौछार कराते हैं, जब किसी अल्फा कण की हम नाभिक के ऊपर बौछार कराते हैं, तो जो अल्फा कण है ना, यहां से हमने अल्फा कण की इसके ऊपर बौछार करा दी, तो जो अल्फा कण नाभिक के सबसे ज्यादा समीप पहुंचता है, ऐसा अल्फा कण जो नाभिक के बहुत पास पहुंचता है, नाभिक के सबसे ज्यादा समीप पहुंचता है, उसके लिए प्रकीर्णन कोण लगभग 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। आपको कल अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में ये बात बताई गई थी कि 20,000 में से एक अल्फा कण 180 डिग्री के कोण पर प्रकीर्णित होता है। ये बात आपको हमने कल बताई थी। जो अल्फा कण 180 डिग्री के कोण से प्रकीर्णित होता है, वो नाभिक के सबसे अधिक समीप पहुंचता है। ये मान लीजिए लगभग नाभिक की दीवार को स्पर्श करता होगा। देखिए, अल्फा कण धनावेश होता है, नाभिक भी धनावेश होता है। धनावेश धनावेश से मिल नहीं सकता, धनावेश धनावेश को क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है। और यहां से आपने अल्फा कण की बौछार कराई है, अल्फा कण पर आवेश 2E है, नाभिक पर आवेश कितना है? Ze। तो जब अल्फा कण की बौछार हम नाभिक के ऊपर कराते हैं, तो ऐसा अल्फा कण जो 20,000 में से एक था, वह अल्फा कण जिसके जो 20,000 में से एक था, जिसके लिए प्रकीर्णन कोण का मान कितना था? 180 डिग्री था, वो नाभिक के सबसे अधिक समीप पहुंचता है, लगभग नाभिक की दीवार को स्पर्श करता है, लगभग नाभिक की दीवार को क्या करता है? टच करता है, ऑलमोस्ट टच इज द बाउंड्री। अल्फा कण को हम लोग गतिज ऊर्जा देते हैं के ई, और ये सारी गतिज ऊर्जा इस पॉइंट तक जाते जाते
ये सारे गतिज ऊर्जा इस पॉइंट तक जाते जाते स्थितिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। अल्फा कण को जो हम ऊर्जा देते हैं वो बनती है गतिज ऊर्जा, और इस पॉइंट पर जाके संपूर्ण गतिज ऊर्जा किसमें रूपांतरित हो जाती है, स्थितिज ऊर्जा, और फिर ये वापस लौटता है। भाई अल्फा कण गया फिर वापस लौटा, ऐसे समझिए जैसे ये मार्कर है, नीचे से ऊपर फेंको आप, अधिकतम ऊंचाई पर संपूर्ण गतिज ऊर्जा किसमें रूपांतरित हो जाती है, स्थितिज ऊर्जा में। वही मैं आपसे कह रहा हूं कि इसकी गतिज ऊर्जा जो है वो सारी किसमें रूपांतरित हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा में। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं स्थितिज ऊर्जा, आप लोगों ने 11th क्लास में नाभिक की स्थितिज ऊर्जा पढ़ी थी, सॉरी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा पढ़ी थी, जो होती थी जी एम वन एम टू अपॉन आर माइनस। आवेश की स्थितिज ऊर्जा भी इतनी ही होती है, बस जी की जगह पे आता है के, एम वन की जगह पे आता है क्यू वन, और एम टू की जगह पे आता है क्यू टू अपॉन आर। यहां माइनस इसलिए आता है कि ये सिर्फ आकर्षण की होती है, यहां कोई चिन्ह नहीं आता है क्योंकि ये आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों तरह का हो सकता है। तो स्थितिज ऊर्जा आवेश की स्थितिज ऊर्जा होती है के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर। ठीक है, ये वैसे हम लोग चैप्टर नंबर 3 में भी पढ़ेंगे, वहां भी आएगी, लेकिन यहां आपको बता दी गई है कि आवेश कणों के मध्य लगने वाली स्थितिज ऊर्जा होती है के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर। आगे होगी आपको समझ में। मैं कह रहा था कि वो अल्फा कण जो नाभिक के सबसे अधिक समीप पहुंचता है, जो लगभग नाभिक की दीवार को स्पर्श करता है, तो उसे दी जाती है काइनेटिक एनर्जी, और ये काइनेटिक एनर्जी संपूर्ण गतिज ऊर्जा इस पॉइंट पर आकर स्थितिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को के ही रहने दीजिए, है ना, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी मैं आपको बताता हूं। दोनों ही धन के आवेश हैं इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, k की जगह पे k आएगा, q1 की जगह पे 2e आएगा, और q2 की जगह पे ze आएगा, अपॉन क्या आएगा r, और हमें r नॉट की वैल्यू निकालनी है, तो r नॉट बराबर क्या होगा 2k ze स्क्वायर अपॉन r। अल्फा कण पर आवेश हुआ 2e, नाभिक पर आवेश हुआ ze, r नॉट नाभिक की त्रिज्या है, इससे ज्यादा समीप तो आप नाभिक के पहुंच ही नहीं सकते, इसलिए मैंने उस पर लिखा है नाभिक की त्रिज्या का आकलन, कोशिश कर रहे हैं नाभिक की त्रिज्या को नापने का। और काइनेटिक एनर्जी जो हमको दी जाती है, जो अल्फा पार्टिकल फेंका जाता है सोने की पन्नी पर, उसको कितनी गतिज ऊर्जा दी जाती है, तो r नॉट बराबर क्या हो जाएगा 2k ze स्क्वायर, अच्छा r नॉट बराबर हो जाएगा 2k ze स्क्वायर अपॉन ke, k कूलाम का नियतांक है, इसका मान 9 गुणा 10 की घात 9 होता है, ze परमाणु क्रमांक है, जैसे सोने का है तो 79 ले लेंगे, e उसका आवेश है, और काइनेटिक एनर्जी ऊर्जा है। आप इस वैल्यू में, इस समीकरण में अगर आप इन सभी राशियों के मान रखेंगे तो आपको एक वैल्यू प्राप्त होगी, एक मान प्राप्त होगा, कोई भी मान प्राप्त हो, जैसे 2 × 10⁻¹⁵ मीटर प्राप्त हो सकता है, 7 × 10⁻¹⁵ मीटर प्राप्त हो सकता है, किसी को 3 × 10⁻¹⁵ मीटर प्राप्त हो सकता है। इन तीनों में एक बात है, घात जो है वो 10⁻¹⁵, ये तीनों में खास बात है, यानी आप कह सकते हो कि इस समीकरण को जब आप हल करोगे, इसमें विभिन्न राशियों के मान रखोगे, तो नाभिक की जो त्रिज्या है वो 10⁻¹⁴ मीटर से 10⁻¹⁵ मीटर की कोटि की प्राप्त होती है, यानी ये जो त्रिज्या आपको मिलती है नाभिक की, उसका जो पावर लगी हुई होती है, जो क्वेश्चन आंसर निकल के आता है, वो या तो 10⁻¹⁴ मीटर में होगा या 10⁻¹⁵ मीटर की कोटि का होगा। आशा करता हूं आपको नाभिक की त्रिज्या का आकलन समझ में आया होगा, एक बार आप इसे देखिए फिर आगे बढ़ते हैं।
आइए चलिए आगे चलते हैं। और अब है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था। अल्फा कण प्रकीर्णन जो है वो प्रयोग जो है वो 1911 में हुआ था। इस आधार पर रदरफोर्ड ने भी अपना एक परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था। इसकी भी कुछ खास बातें। पहली बात, अधिकांशतः अल्फा कण सोने की पतली पन्नी से पार निकल जाते हैं। आपने देखा था अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, ज्यादातर अल्फा कण तो अविचलित हुए बिना किसी विचलन के सोने की पन्नी से पार निकल गए। इसका मतलब यह हुआ कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। ठीक है, अब अधिकांश भाग खोखला होता है तो रदरफोर्ड ने कहा कि उस खोखले भाग में जिसकी त्रिज्या कितनी होती है 10^-10 मीटर, यह परमाणु की त्रिज्या है। किसकी त्रिज्या है? ये परमाणु की त्रिज्या है। ठीक है, ये बात रदरफोर्ड ने बताई थी कि ज्यादातर हिस्सा जो है परमाणु का वो खोखला होता है, मतलब और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इस खोखले हिस्से में 10^-10 मीटर में उपस्थित होते हैं। दूसरी बात, आपने देखा था कि 20,000 में से एक अल्फा कण 180 डिग्री के कोण पर प्रकीर्णित हो रहा था। इस पर रदरफोर्ड ने कहा था यह तो तभी संभव है जब परमाणु का समस्त धनावेश एक सूक्ष्म स्थान पर केंद्रित है। रदरफोर्ड ने आपको बताया कि परमाणु का जो धनावेश है वो एक स्थान पर केंद्रित होता है, एक सूक्ष्म स्थान पर केंद्रित होता है जिसको नाम दिया गया नाभिक। इसे बोला गया नाभिक, और नाभिक की जो त्रिज्या है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई है 10^-14 मीटर से 10^-15 मीटर की कोटि की होती है। रदरफोर्ड के परमाणु प्रतिरूप के आधार पर यह बात निकाली गई कि परमाणु का एक तो अधिकांश भाग खोखला है, दूसरा 10^ जो परमाणु का जो समस्त धनावेश है वो एक छोटे से स्थान पर रखा हुआ है जिसको उन्होंने क्या नाम दिया, नाभिक नाम दिया, और नाभिक की त्रिज्या 10^-14 मीटर से 10^-15 मीटर की कोटि की होती है। और ये बात भी क्लियर हो गई कि भाई ये बात भी बिल्कुल क्लियर हो गई कि जो इलेक्ट्रॉन है वो 10^-10 मीटर की त्रिज्या में उपस्थित होते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इलेक्ट्रॉन पर ऋण का आवेश होता है। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, इलेक्ट्रॉन पर ऋण का आवेश होता है और नाभिक पर धन का आवेश होता है, यानी दोनों के मध्य क्या लगता है, आकर्षण लगता है। और अगर आकर्षण लगेगा तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर घुस जाएगा। लेकिन उसने कहा कि साहब इलेक्ट्रॉन जो होता है, रदरफोर्ड इस बात को बता चुका था, स्थायित्व प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों क्या करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते। ये बात रदरफोर्ड ने बताई थी कि भाई जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो विराम अवस्था में होने की बजाय नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ऐसे रिवॉल्व करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से तीन बात पता चलती है कि एक तो अधिकांश हिस्सा खोखला है जिसमें केवल इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, एक ऐसा स्थान भी है नाभिक के अंदर जिसमें सारा धनावेश, उसका समस्त धनावेश उपस्थित होता है जिसको उन्होंने नाभिक दिया था नाम। एक उन्होंने ये भी बताया था कि इलेक्ट्रॉन विराम अवस्था में रहने की बजाय, इलेक्ट्रॉन विराम अवस्था में रहने की बजाय, विराम अवस्था में नहीं रहते उसकी बजाय इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते। यही था ना,
ये सिस्टम था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ठीक है, एक बार आप इसको देखिए फिर हम आगे चलते हैं। चलिए अगला जो हमारा टॉपिक है वो है रदरफोर्ड की कमियां। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं और वो ये है कि आज की डेट में कोई भी जो व्यक्ति है वो किसी में कमियां ज्यादा देखता है और रदरफोर्ड की कमियां वास्तव में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम्स में आ चुका है। तो रदरफोर्ड की कमियां ज्यादा देखी जाती है बजाय उसके मॉडल की। तो रदरफोर्ड की कमियों में सबसे पहली कमी है परमाणु का स्थायित्व। रदरफोर्ड ने ये बात तो सबको समझाई थी कि भाई जो इलेक्ट्रॉन होता है वो विराम अवस्था में नहीं होता, वो तो नाभिक के चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाता है। तो लोगों ने ये कहा, उस समय के वैज्ञानिकों ने कहा कि जैसे ये न्यूक्लियस है जेरी, इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर लगातार क्या करता रहेगा, चक्कर लगाता हुआ इलेक्ट्रॉन लगातार विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा विकिरित करता है। चक्कर लगाता हुआ इलेक्ट्रॉन लगातार विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा विकिरित करता है। तो जब इलेक्ट्रॉन लगातार ऊर्जा देता रहेगा तो इसकी ऊर्जा में लगातार कमी होती रहेगी। जब इसकी ऊर्जा में लगातार कमी होती रहेगी तो इसकी त्रिज्या में लगातार कमी होती रहेगी, ऊर्जा भी कम होगी त्रिज्या भी कम होगी और एक दिन ऐसा आएगा कि ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर समा जाएगा। यह आपने केमिस्ट्री में पढ़ी है 11th क्लास में, परमाणु का स्थायित्व। तो इस हिसाब से तो परमाणु नाम की कोई चीज ही नहीं होगी। परमाणु किससे मिलकर बनता है? परमाणु बनता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, इन सब से मिलकर बनता है। और अगर हम रदरफोर्ड की बात को सही मान ले जो उसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन विराम अवस्था में नहीं होते, ये तो उल्टा नाभिक के चारों क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो चक्कर लगाता हुआ इलेक्ट्रॉन लगातार विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा देता रहता है। तो जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहेगा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा देता रहेगा तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में लगातार कमी होगी जिससे उसकी वेग में कमी होगी, जिससे उसकी लगाने वाले नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले त्रिज्यीय पथ में कमी होगी। धीरे धीरे ये पथ छोटा होता जाएगा और अंत में ये इलेक्ट्रॉन नाभिक में समा जाएगा। तो इस हिसाब से जो भी इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे एक ना एक दिन वो सारे इलेक्ट्रॉन नाभिक में समाहित हो जाएंगे। अगर सारे इलेक्ट्रॉन नाभिक में समाहित हो गए तो फिर परमाणु क्या रहेगा, कोई मतलब ही नहीं है। तो इस बात का जवाब जो था वो रदरफोर्ड के पास नहीं था। रदरफोर्ड के मॉडल को अगर हम सही मान लें तो हम ये मानेंगे हमको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। अगर हम रदरफोर्ड के मॉडल को सही मानते हैं तो परमाणु तो स्थायी होगा ही, जबकि परमाणु स्थायी होता है ये बात रदरफोर्ड नहीं समझा सके। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा है स्पेक्ट्रम। अगर हम रदरफोर्ड की बात को सही मान लें जो उसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहेंगे तो चक्कर लगाता हुआ इलेक्ट्रॉन विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा देता है। तो अब ये लगातार चक्कर लगा रहा है तो लगातार ऊर्जा देगा। जब ये लगातार चक्कर लगा रहा है और लगातार ऊर्जा देगा तो इससे जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होना चाहिए वो भी कैसा होना चाहिए, लगातार यानी कि सतत। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंटिन्यूस। दोबारा सुनिएगा,
अगर हम रदरफोर्ड की बात को सही मान लें कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है और चक्कर लगाता हुआ इलेक्ट्रॉन विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा को विकृत करता है यानी बाहर निकालता है और लगातार ये काम करता है, तो फिर जो हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त होता होना चाहिए किसी एटम से, किसी परमाणु से हमें जो स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए था वो कैसा होना चाहिए था? सतत प्राप्त होना चाहिए। जो भी स्पेक्ट्रम हमको परमाणु से प्राप्त होता वो कैसा होना चाहिए था? सतत। लेकिन परमाणु से जो स्पेक्ट्रम आपको प्राप्त होता है वो होता है रेखीय, जिसको हम लोग एक नाम और देते हैं क्या, विविध। सतत का मतलब तो होता है अनवरत, बीच में कहीं कोई ब्रेक ना, और रेखीय का मतलब है आया फिर रुक गया, आया फिर रुक गया, आया और रुक गया। मैंने आपसे उस दिन कल भी कहा था कि थॉमसन के मॉडल की भी कमी थी कि वो हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम को नहीं बताता। मैंने आपसे कहा था कि हाइड्रोजन परमाणु को तो बहुत पहले ही हमने देख लिया था उसके स्पेक्ट्रम को, और उसके स्पेक्ट्रम में तो हमको विभिन्न श्रेणियां प्राप्त हुई थी, लाइमन, बामर, पास्टर, ब्रैकेट, फंड। अब अगर उस हिसाब से देखें तो स्पेक्ट्रम हमको मिलना चाहिए था सतत रदरफोर्ड के हिसाब से, लेकिन मिल रहा है रेखीय, तो भी पार्टी फेल, तो भी मामला फेल। अगर हम रदरफोर्ड के मॉडल को सही मानते हैं तो स्पेक्ट्रम सतत होना चाहिए था, लेकिन स्पेक्ट्रम प्राप्त हो रहा है रेखीय, इसका मतलब रदरफोर्ड के मॉडल में भी कुछ ना कुछ गलती है। तीसरा पॉइंट देखिए, यह भी बड़ा अच्छा पॉइंट है, सूक्ष्म संरचना होती है स्पेक्ट्रम की, रेखा भी होते हैं इसको। और देखिए स्पेक्ट्रम तो वो बना ही नहीं पाया, लेकिन जो श्रेणियां प्राप्त हुई थी, जैसे इस तरह से जो रेखाएं आई थी, जो आपको श्रेणियां प्राप्त हुई थी, इनमें ये स्पेक्ट्रम की रेखाएं थी। जो स्पेक्ट्रम मैंने कहा ना 1880 में ही देख लिया गया था, तो अगर हम उस स्पेक्ट्रम को सही मान रहे हैं तो जो स्पेक्ट्रम प्राप्त हो रहा था उसमें जो स्पेक्ट्रम की श्रेणियां थी उनकी क्या तीव्रता थी, या ये जो रेखा है वो एक रेखा भी कई सारी रेखाओं से मिलकर बनी है, इनमें सूक्ष्म संरचना विद्यमान थी, तो किस तरह से स्पेक्ट्रम में रेखाओं की तीव्रता के बारे में भी वो कोई व्याख्या इसकी नहीं कर रहा। तो आज मैंने आपको जो पढ़ाया है वो पढ़ाया है मुख्य रूप से नाभिक की त्रिज्या का आकलन, एक मैंने आपको पढ़ाया रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, और एक मैंने आपको पढ़ाई रदरफोर्ड की कमियां। रदरफोर्ड की जो कमियां हैं वो बेहद इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण है, आप इन्हें पढ़िए। और रही बात नोट्स की, तो जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, जितना भी आपको पढ़ाया जाता है उसके नोट्स आपको ग्रुप पर शेयर कर दिए जाते हैं। नोट्स को आप हेयर कॉपी में मेंटेन कीजिए, क्योंकि स्थिति इतनी विचित्र बनी हुई है कि स्कूल अगर खुलेंगे भी सही तो नोट्स लिखाने में बड़ी परेशानी होगी। तो कोशिश कीजिए कि जितना आप समझ सके यहाँ से, वीडियो को कई बार देखिए, दो बार तीन बार, और जितना आप समझ सके उसे आप एक अच्छी कॉपी में, फेयर कॉपी में, फेयर नोट्स को नोट कीजिए, ताकि पढ़ने में आपको आसानी हो। और किताब तो आप सब लोगों ने खरीद ही ली होगी, सिलेबस में आपके कहीं कोई चेंज नहीं है। तो आज के लिए बहुत है, दैट्स ऑल फॉर टुडे।